तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदी हॉस्पिटल के बारे में। तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया था वेदी हॉस्पिटल के बारे में 2-3 महीने पहले ही। तो उस वीडियो में बहुत सारे व्यू भी आया था और बहुत सारे कमेंट भी अच्छे अच्छे आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार, फिर भी एक वीडियो एक बना ही देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वेदी हॉस्पिटल के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज का वीडियो और काफ़ी सारे डाउट जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वेदी हॉस्पिटल में। अगर आप पहली बार इस हॉस्पिटल में जाते हो तो साधारण सी बात है, बहुत ही घबराहट होगा क्योंकि इतनी बड़ी जो हॉस्पिटल है देखने से ही बहुत ही घबराहट होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप पहली बार जाते हो, क्योंकि इधर का जो वॉचमैन है, बहुत से जो गार्ड है, वो जो गार्ड है आप उससे उनसे पूछिए और बहुत ही आसान तरीके से आप जिधर भी जाना होगा वो लोग बता देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो बना दूं और कहां पर काट करना होगा, कहां पर क्या करना होगा, कहां पर जाना होगा और कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा रोग के हिसाब से, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा बहुत ही जल्दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिए और मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर देखूँगा। तो यही कुछ कहना था इस वीडियो में। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कहाँ पर कार्ड करना होगा, कहाँ पर जाना होगा। दूसरे वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा, बट इधर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जाना होगा फर्स्ट काउंटर पे, लेकिन फर्स्ट काउंटर से पहले आपको फॉर्म लेना होगा जिसको आपको फिलअप करके फर्स्ट काउंटर पे उसके बाद आपको जाना होगा। तो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली से उसे जमा देना होगा और कुछ फीस लगेगा जो कि 20 से 30 रुपये लगेगा, क्योंकि अभी ये लागू हुआ है, पहले नहीं था, पहले फ्री में होता था। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो कार्ड है कंप्लीट हो जाने के बाद रोग के हिसाब से वो लोग ही आपको जो है डिपार्टमेंट का रूम नंबर दे देगा। तो उस रूम नंबर पे आपको चले जाना होगा। रूम नंबर पे चले जाने के बाद आपका जो है डॉक्टर देख लिया जाएगा और उसके बाद वो डॉक्टर बताएगा कि आपको एडमिट करना है, रोग के हिसाब से एडमिट करना है या फिर नहीं करना है। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं शॉर्टकट में बता दिया हूँ, लेकिन दूसरे वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल पे अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।